यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो बी फाइन। आज मैं ये भी पब्लिक स्कूल की क्लास 4 की चैप्टर 4 एन आइडियल होम आपको डीप करके समझाऊंगी। हेलो बच्चों, आज मैं डी बी पब्लिक स्कूल की क्लास 4 की चैप्टर 4 एन आइडियल होम आपको पढ़ के समझाऊंगी। आयशा लिव्स इन ए स्मॉल हाउस ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। आयशा जो है वो कहाँ रहती है? एक स्मॉल मतलब छोटे से हाउस में, आउटस्कर्ट्स में मतलब जो शहर से दूर होता है, जो काफ़ी हटकर होता है। स्मॉल टाउनशिप बेगमपुर उसका नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द रोड्स आर कच्चा, क्या जो रोड्स क्या है वो कच्चा है, अनसरफेस। एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड, जो पानी निकलने का होता है, जो भी ये सब होता है, अनकवर्ड वो ढका हुआ नहीं है। बट आयशा फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। बट लेकिन आयशा के जो फैमिली मेंबर्स थे, जो उनके क्या करते थे, हाउस को बहुत ही क्लीन रखते थे और आसपास भी बहुत अच्छे से रखते थे, एकदम साफ सुथरा। द एंटायर नेबरहुड इंश्योर्ड दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और इन द स्ट्रीट्स। जो उनके नेबरहुड थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो क्या थे, गार्बेज मतलब कूड़ा क्या करते थे वो, नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और इन द स्ट्रीट। वो लोग जो कूड़ा था स्ट्रीट्स में बाहर ऐसे नहीं भी कहीं भी रोड पे नहीं फेंकते थे। दे हैव डग अ डीप पिट ऑन अ स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड द कवर्ड विद सॉइल टू कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। क्या करते थे, एक गड्ढा खोद, डग मतलब गड्ढा खोदना गहराई में, और क्या करते थे वहाँ जाके सारे गार्बेज को थ्रो करते थे, थ्रोन, और उसको क्या करते थे, कवर्ड विद सॉइल, और फिर क्या करते, मिट्टी से कवर कर देते थे, और कवर वो क्या करते थे, कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। फिर आप देखोगे जितने भी गार्बेज थे कुछ दिनों बाद वो क्या, कंपोस्ट मतलब जितने वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट है वो कंपोस्ट में बदल जाते हैं, जो कि बाद में हमारे पेड़ पौधे सब में डालने में खाद के रूप में काम आते हैं। नीरज लिव्स इन मैंसियन इन विलेज भोगपुर। अब जो नीरज है, नीरज लिव्स इन मैंशन इन विलेज, विलेज मतलब गाँव, भोगपुर। इट इज़ सराउंडेड, सराउंडेड क्या था, अपने आसपास, बाय लॉट ऑफ ग्रीनरी, उसके आसपास क्या था, लॉट मतलब बहुत सारे ग्रीनरी थी, हरा भरा था। इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर द मेन गेट्स। वहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान जो थे, वहाँ के लोग क्या करते थे, रिच थे, लेकिन वहाँ के लोग क्या करते, जो थ्रो जो गार्बेज था वो कहाँ फेंकते थे, मेन गेट के सामने, घर के सामने। अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स accumulated. द villagers हैव टू कवर their नोज when दे पास द स्ट्रीट। वो जो क्या होता था, जो बहुत सारे जो कूड़े जब इकट्ठे हो जाते थे, क्या करते थे, गार्बेज महकते थे, सड़न बदबू करते थे, और वहाँ से जो आसपास गुजरते थे क्या करते थे, कवर देयर नोज को कवर करते थे when दे पास द स्ट्रीट, आसपास वहाँ से गुजरते थे। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये कूड़े सब फैले हुए, और ये देखिए नाक इन पे, नोज पे हैंकी रखा हुआ, कवर किया हुआ है, क्योंकि बदबू आ रही है। मोर ओवर फ्लाइज, फ्लाइज मतलब क्या, मक्खी एंड मॉस्किटो, मच्छर ब्रीड ऑन देयर गार्बेज, गार्बेज के ऊपर जहाँ गंदगी कूड़ा होता है वहाँ पे क्या होती है, मक्खी आते हैं, मच्छर आते हैं ना, तो वो वहाँ पे आने लगते हैं। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अवर नेबरहुड क्लीन। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है कि अपने नेबर और अपने आसपास को क्लीन रखना। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग। हमारे जितने नेबर और आस पड़ोस है, अपने घर के साथ साथ अपने आसपास को भी क्लीन रखना चाहिए। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम, हमारा एक आइडियल होम कैसा होना चाहिए। द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाउस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा जो घर होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा हो, लोकेशन बहुत अच्छा, ना कि बहुत महंगा हो, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। एज मेंटेनिंग द हाउस एंड नेबरहुड, अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। एक हमारा छोटा सा भी हाउस होगा, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से भी रखते हैं, तो भी वो हमारा घर बहुत ही खूबसूरत और अच्छा होगा। पहला क्या होना चाहिए, सनलाइट। इट ब्राइटनेस आवर होम एंड कीप्स द रूम्स ड्राई।
अगर सनलाइट नहीं आएगी तो हमारे घर क्या होगा, अंधेरा सा रहेगा और हमारा घर भी गीला गीला रहेगा, तो हमारा क्या करता है, रूम को ड्राई रखता है। द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे, सनलाइट जो धूप की रोशनी आती है जब, उससे जर्म्स मतलब क्या होता है, जो कीटाणु है उससे भी दूर भागते हैं। देयर शुड बी सफिशियंट विंडोज और वरांडास टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, हमारे घर में विंडो सफिशियंट होना चाहिए कि जिससे कि धूप आ सके, और बरामदा भी होना चाहिए कि जहाँ पे बैठ के हम कभी मन भी करें धूप ले सके। डू यू नो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथ अवर बोन। तो सनलाइट हमारा जो है वो मेन सोर्स है विटामिन डी। आजकल लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है ना, आजकल पैरों में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या कहता है, विटामिन डी की टैबलेट देता है, तो क्योंकि आजकल लोग धूप नहीं ले पाते, घर के अंदर ही सारा काम करते हैं। पहले के लोग बाहर खेलते थे बच्चे, लेकिन आजकल टीवी कंप्यूटर ये सब में लगे रहते, इससे हमारी हड्डियाँ क्या हो रही है, वीक हो रही है। सेकेंड पॉइंट, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स होता है कि हमारे घर में जो बाहर की हवा है वो आ सके। विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। डू यू नो, एन आइडियल होम शुड हैव चिमनी और एग्जॉस्ट फैन टू लेट आउट द स्मोक आउट। हमारे घर में एक चिमनी, पहले क्या होता है, पहले चिमनी होता था, और आजकल क्या हो गया, एग्जॉस्ट फैन किचन में होता है कि जैसे हम जो भी खाना बनाते हैं, जो भी धुआं होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑडर एंड पॉल्यूशन, जिससे कि हमारे घर में धुआं और वो जो पॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, सैनिटेशन। सैनिटेशन में क्या होता है, जो हमारे गंदे पानी जो होते हैं, हमारे जो वेस्ट होते हैं, वो एक निकलने के एक प्रॉपर पाइप होनी चाहिए। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच। अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलरा एक्सेट्रा। द डस्टबिन शुड हैव अ लीड। लीड मतलब क्या होता है, ढक्कन। हमारा डस्टबिन कैसा होना चाहिए, ढक्कन वाला होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे, उसको हमेशा क्लीन करना चाहिए डेली। फोर्थ पॉइंट, डोर्स एंड विंडोज। अ गुड हाउस शुड हैव टू डोर्स। अच्छे हाउस में कैसे, टू डोर्स होने चाहिए, दो दरवाजे होने चाहिए। अ वुडन डोर एंड अ वायर नेट। वायर नेट मतलब जो आप देखे होंगे, एक तो मेन उठका होता है और एक जो हम लोग कहते हैं जाली वाला, जिसमें नेट लगे तो उसको क्या कहते हैं, वायर नेट, फ्लाई मैश भी बोलते हैं। डोर होना चाहिए जो हम पहले इसको लगा के रखते हैं, और जो विंडो जो वुड वाला डोर होता है उसको क्या होता है, खोल लेते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्लाई नेट, जो फ्लाई मैश डोर होता है, उससे क्या होता है, मक्खी मच्छर वो हमारे घरों में नहीं आते, और साथ में हमें फ्रेश एयर भी बाहर की मिलती रहती है। तो विंडो शुड हैव फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे टू अलाउ फ्रेश एयर। फाइव पॉइंट, वाटर सप्लाई। एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशियंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाइपिंग फ्लोर। हमारे घरों में सफिशियंट पानी का भी वाटर सप्लाई का होना चाहिए, जिससे कि हम बाथिंग नहाना, कपड़े धोना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोना, वाइपिंग फ्लोर्स फ्लोर्स को साफ करने के लिए। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी मतलब जो पानी की कमी। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने के पानी होता है, उसको कैसे रखना चाहिए, स्टोर करके भी रखना चाहिए, क्लीन और कवर्ड भी होना चाहिए, वाले बर्तन में रखना चाहिए। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल। जहाँ पानी स्टोर करके रखते हैं, जो टैंक में होता है, जो हमारी टंकी होती है, उसको भी क्या होता है, बीच बीच में इंटरवल्स में उसको भी सफाई करवानी चाहिए या करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट, सेफ्टी। द डोर्स एंड विंडो शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक। जो भाई डोर और विंडो होते हैं उसमें क्या बोल्ट भी होना चाहिए और लॉक सिस्टम भी होना चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन द स्ट्रेंजर्स। हमारे डोर पे एक स्पाई आई होना चाहिए, जिससे कि हम उससे पहले, खोलने से पहले क्या होता है, हम उसको अपने आईज को तो देख लें कि बाहर कौन है। एकदम से हमको डोर ओपन नहीं करना चाहिए कि कोई अनजान भी हो सकता है। देयर शुड बी अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप द एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट।
जिससे हमको क्या बचाता है, कोई स्ट्रेंजर्स या एनिमल्स हमारे घर के अंदर ना आ सके। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटी। डू यू नो द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन। डोर और विंडो में, खिड़कियों में जरूर से कर्टेन्स मतलब पर्दे होने चाहिए। कर्टन हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। जो कर्टन हम जो पर्दे लगाते हैं इससे क्या होता है, हाउस तो एक सुंदर भी दिखता है और मेंटेन रहता है प्राइवेसी। दे आल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज मॉस्किटो एंड डस्ट आउट। या और साथ में हमें मक्खी मच्छर और डस्ट से भी बचाता है। अगर पर्दे लगा दोगे तो डायरेक्ट आपके अंदर वो चीज धूल ये सब नहीं आएगा। क्लीनलीनेस, हाउस शुड बी कैप्ट नीट एंड क्लीन। हाउस हमारा कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। जो फर्नीचर होता है और भी जो सामान होता है उसको क्या होता है, डस्टेड जो हमें धूल होती है उसको हटाना चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइप विद डिसइंफेक्टेंट। जो फ्लोर्स होते हैं जो पोछा लगता है उसको क्या होता है, साथ साथ उसमें फिनाइल भी डालना चाहिए जिससे कि मक्खी मच्छर ये सब हमारे घर में और अच्छी खुशबू बनी रहे। थिंग्स शुड बी कैप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। और सामान क्या है, प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए। इट कीप्स द हाउस नीट टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, हाउस हमारा नीट भी होता है, टाइडी होता है और क्या होता है, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे समय भी बचता है। हमें कुछ अगर चाहिए, अगर जगह पे रखा है तो आप क्या होता है तुरंत से जाते हो ले आते हो झटपट से। अगर पता नहीं आप सामान को बिखरे रहोगे तो आप सामने भी पड़ा रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो सामान आपको दिखाई नहीं पड़ा किसके सामान के बीच में छिप गया है। इसलिए हमेशा अपने सामान को सही जगह पे रखनी चाहिए। गार्बेज डिस्पोजेबल। गार्बेज मतलब क्या होता है, कूड़ा को हटाते हैं, फेंकते हैं। अ क्लीन होम एंड नेबरहुड रिक्वायर इफिशियंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सो डैट हीप्स ऑफ गार्बेज डू नॉट हार्म द पीपल और द इन्वायरमेंट। गार्बेज जो है कूड़ा लेने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास से उसको लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ में इन्वायरमेंट भी क्लीन रहे। द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन डेली बेसिस। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हम लोग अपने घर में प्लांट्स भी लगाने चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी। कॉलोनी में भी लगाना चाहिए जहाँ हम रहते हैं। वी शुड लिव इन हारमोनी। हारमोनी में प्यार से इन साइड आवर होम एंड विथ आवर नेबर्स। अपने घर में भी प्यार से रहना चाहिए और साथ में जो हमारे पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, उन लोगों से भी मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। द कोऑपरेशन सहयोग शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरमेंट। Do you know, a house may be big or small, it may be a village or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live. ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा घर बड़ा हो या छोटा हो, शहर में हो या गांव में है, हमारा ज़रूरी क्या होता है कि वो क्लीन हो, सेफ और रहने के लिए कम्फर्टेबल आरामदायक हो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि उनको भी स्टडी में हेल्प मिल सके। और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी डाउट हो प्लीज़ वहाँ पे आप वहाँ लिख कर बताना जिससे कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ।